ये BSF की और एयरफोर्स की जॉइंट कैमलिन एक्सपेडिशन 15 अगस्त को आदर्श स्टेडियम से फ्लैग ऑफ होगा। इसका फ्लैग ऑफ आदरणीय श्री अमरराम चौधरी राजस्व मंत्री राजस्थान करेंगे। इसके साथ साथ इसमें BSF के IG श्री AK तोमर साहब, सीमा और एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी और DM बाड़मेर, SP बाड़मेर, आर्मी के ब्रिगेडियर साहब, BSF के कमांडेंट, उनकी महिलाएं, ये सभी लोग उपस्थित रहेंगे। इसमें हमने बाड़मेर के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उन सभी लोगों को बुलाया, जिसमें डॉक्टर साहब वगैरह हो गए, UTI की चेयरमैन हो गई, लायंस क्लब के सेक्रेटरी हो गए, इन सभी लोगों को भी बुलाया हम लोगों ने। इनमें क्या मिले हुए महिलाएँ महिलाएँ ये लोग क्या सफारी जो शुरू होगी यहाँ से शुरू ये आदर्श ट्रेन शुरू होगी, उसके बाद BKD जाएगी, BKD BOP पड़ती है, BFU की और BSF की हमारी सेक्टर की। इसके बाद ये फिर बॉर्डर होते हुए जैसलमेर सेक्टर में जब पहुँच जाएगी, जैसलमेर से राजस्थान सेंटर का पड़ता है और हमारे एरिया में जो करीब 233 किलोमीटर का एरिया है, 7 दिन ये लोग रुकेंगे। BOP BKD BFU सोमरार मनावा, उसके बाद ये गडरा और सुंदरा, यहाँ पर रुकेंगे ये लोग। इस कार्यक्रम में बॉर्डर में जो कार्यक्रम होंगे, इसमें कल्चरल प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा और इसके अलावा ये औरतें मैसेज भी करेंगी वोन अपॉइंटमेंट के बारे में, साथ साथ वहाँ पर वो गिफ्ट एक्सचेंज भी होगा, टी पार्टी वगैरह भी होगी, बहुत अच्छे प्रोग्राम होंगे बॉर्डर पर। इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली है इसकी हम लोगों ने। इसमें BSF और एयरफोर्स की महिलाएँ शामिल हो रही हैं, जिसमें अधिकारीगढ़ भी हैं, SO साहिबान भी हैं और कांस्टेबल भी हैं। और इस कैमल का और सवारी का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना। प्राचीन समय से भारत में वर्ष में महिला बहुत शक्तिशाली रही हैं, वो गार्गी के शुरू के वक्त से शुरू हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं। और ये इसके अलावा हम ये बताना कि बेटियों को पढ़ाना है, क्योंकि एजुकेशन ही मेन चीज़ है। अगर बेटी पढ़ेंगी तो पूरा घर शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, इसके साथ साथ पूरा देश भी शिक्षित होगा। अगर महिला नहीं पढ़ पाएंगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। हाँ, जो एयरफोर्स में कैमल नहीं होते, लेकिन इन लोगों को हमने अपने जो हमारा जोधपुर में हमारा जो STC है, जो हमारा कैमल को ट्रेनिंग कराता है, कैमल्स को हमने उनको करीबन 12 दिन वहाँ ट्रेनिंग कराई है उन लोगों को, और करीबन धीमे धीमे उन लोग अब लोग एक दिन में 20 किलोमीटर तक तय कर सकती हैं कैमल के ऊपर। हाँ, इस कैमल एक्सपेडिशन में BSF की पहले मैं अधिकारी श्री तनुश्री पारिक, जो कि बीकानेर से बिलोंग करती हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, भाग लेंगी। ऐसे मेरा संबंध खाली कैमल एक्सपेडिशन है, लेकिन BSF के अभी बॉर्डर पर काम हो रहा है मॉडर्नाइजेशन के बारे में और फेजेज में शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने LED लाइट लगा दी बॉर्डर के ऊपर 25 किलोमीटर के एरिया में, वही मॉडर्नाइजेशन का एक हिस्सा है। मतलब नहीं, पानी की आप लोगों को रॉन्ग नोशन है, पानी की BSF में कोई समस्या नहीं है और पानी हमारे वाटर पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पर माथे पानी सप्लाई होता है, टांके बने हुए हैं और टैंकों में सप्लाई होता है, कुछ जगह पानी की पाइपलाइन भी है। कुछ नहीं, पूरे टैंकर कोई दूरी नहीं है, जाके देखिए गोनिया वाटर पॉइंट है, गडराए वाटर पॉइंट है, गोनिया जानते केलनोर के पास है ना, उसके बाद भांडा BOP वाटर पॉइंट हमारा है, कुछ BOP वाटर पॉइंट है, कोई दूरी नहीं जाएगी। आजकल मैं 18-20 किलोमीटर से पानी आता है, 18 भी नहीं हुआ उस समय। दूसरे मैं खुद दूसरे पॉइंट थे, वो वैसे मतलब नहीं है, बता वो तो दूसरे पॉइंट थे, वो तो एक पॉइंट नहीं था, वहाँ मैं ही था, मैंने ही पॉइंट रखवाए थे मतलब वो। थैंक यू।